Hello everyone, this is English Bulk and in this video we will discuss the question answers of the summit within of class 8. So, first question we have, standing on the Everest, the writer was jubilant and sad. This is the answer. When he was standing at the Everest, Everest pe pahunch chuke the writer, to wo खुश तो बहुत ज़्यादा थे, जुबिलेंट थे ना, जॉयफुल थे और साथ ही साथ सैड भी थे कि वो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे जहाँ जाने की, वो काम तो उनका हो चुका है, तो वो एक अजीब सी वो वैसी वाली बेचैनी उनको हो रही थी जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे और जस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो हम पता नहीं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करना है ना, पता नहीं होता हम जुबिलेंट हैं या सैड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ द, कौन सा इमोशन उन्हें घेरे हुए था जिस समय उन्होंने सबमिट किया था, मतलब पहुंच गए थे, अपनी चढ़ाई पूरी कर ली थी एवरेस्ट की, तो उस समय उनको जो इमोशन उनके अंदर था, उनको पकड़े हुए था, वो था ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस. उनको लगा बहुत छोटा हूँ मैं इस प्रकृति के आगे, मैं बहुत छोटा हूँ, तो अपनी स्मॉलनेस वो फील कर रहे थे. ह्यूमिलिटी मतलब उनको थोड़ा अलग लग रहा था, उनके उनको ऐसे लग रहा था कि शायद कुछ भी नहीं हूँ इस प्रकृति के आगे. ठीक है, तो इमोशन क्या था, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द समिट ऑफ माइंड रेफर्स टू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में कि समिट ऑफ माइंड क्या है, रेफर्स टू. इसमें जो कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है वो इसके साथ के इसी समिट ऑफ माइंड को रेफर नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये आंसर होगा उसका. और असल में समिट ऑफ माइंड का मतलब क्या है, वो फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो है ये इसका सेम मतलब बताते हैं ना, सिनोनिम की तरह है इसके, एक शब्द है इन सब के लिए. समिट ऑफ माइंड मीन्स फर्स्ट है आपका ऑप्शन ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट. ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लेता है, कुछ उसको उपलब्धियाँ मिल जाती है ना, वो है समिट ऑफ माइंड. और समिट ऑफ माइंड क्या है, द ट्रिम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ, जो इसको पूरा आप देख लीजिए कि अपने अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर विजय प्राप्त करना, वो क्या है, माइंड ओवर वर्ल्डली प्रेशर. ठीक है, और नेक्स्ट, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, और एक ये सबसे ज़्यादा जो है समिट ऑफ माइंड को रेफर करता है कि अपने खुद का ही नॉलेज होना कि मैं क्या हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस जो डिटेल में आते हैं, व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइंब, कौन सी क्वालिटी है जिन्होंने हेल्प की के ऑथर जो है वो इतनी ऊंची चढ़ाई कर पाए एवरेस्ट की. ओके, राइटर ऑथर एक ही है ना, द राइटर हैज क्वालिटीज ऑफ एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर दैट प्लेड अ मेजर रोल इन हिज क्लाइंब. राइटर के पास जो क्वालिटीज थी वो थी एंड्योरेंस. ये तीन वर्ड्स तो आपको याद ही कर लेने हैं स्पेलिंग के साथ इस चैप्टर के लिए, तो एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. एंड्योरेंस मतलब लगे रहना, परसिस्टेंस मतलब अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं, उसके लिए लगातार चलते रहना, विल पावर अपनी इच्छा शक्ति वो कम नहीं होने दी. तो ये तीन वर्ड्स हैं, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. इनको तो याद ही कर लीजिए आप, हर आंसर में काम आने वाला है ये. That played a major role in his climb. ठीक है, next question we have, why is adventure which is risky also and pleasant also? ऐसा ये adventure जो था, ये जो रोमांचपूर्ण कार्य किया उन्होंने एवरेस्ट पर समिट करना, एवरेस्ट की चढ़ाई पर, चोटी पर चढ़ाई करना, ये adventure जो है risky था, और risk तो था ही इसमें, साथ ही साथ प्लेजरेबल, खुशी देने वाला भी था. आंसर वी हैव, एवरी एडवेंचर इज रिस्की, कोई भी एडवेंचर अगर हमारी लाइफ में हम करते हैं तो वो रिस्की होता है, येट पीपल फाइंड प्लेजर इन इट, लेकिन लोगों को उसमें प्लेजर मिल जाता है, खुशी भी मिलती है, प्लेजर
इट इज़ सो बिकॉज इट गिव्स देम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब कोई रिस्की काम कंप्लीट कर लेते हैं ना तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है हमें ना कि अरे हमने ये कर लिया, फिजिकल इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल। और हमारे फिजिकल को, हमारी जो बॉडी में जो जितनी क्षमता है उसके ना, हमारी बॉडी पावर भी बताता है हमें कि हम वो काम कर पाते हैं या नहीं। इमोशनल, हमारा इमोशनल लेवल भी बढ़ता है कि नहीं हम बड़ा कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल, हमारी आत्मा को भी ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ बड़ा किया और हम कर भी सकते हैं। ये हमें अपने बारे में पता चलता है जब हम रिस्क को उठाते हैं, कोई जोखिम उठाते हैं तब। ठीक है, What was it about Mount Everest that author found irresistible? Answer. Mount Everest, अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ थी जो writer को जो है irresistible लगी, उसकी जो temptation थी, उसमें जो इच्छा थी उसको वो resist नहीं कर पाया Everest के बारे में, उस पर चढ़ना ही पड़ा उसे। Answer. Mount Everest ने अपनी beauty से, aloofness ने, माइटनेस से, रेगनेस से और डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके ना, क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको चढ़ना ही पड़ा एवरेस्ट पे, वो थे उसकी सुंदरता, उसकी अलूफनेस, वो बिल्कुल अलग थलग है। माइट मतलब उसको बहुत शानदार है, वो उसकी माइट है। रेगनेस मतलब वो थोड़ी टफ है। और कुछ डिफ़िकल्टीज जो लोगों को होती थी, एनकाउंटर्ड मतलब सामने आती थी, जो डिफ़िकल्टीज़ लोगों के सामने आती थी रास्ते में, ड्रिव द ऑथर टू इट, उन्हें वो ऑथर को उसकी तरफ खींच रही थी ना, ये सारी चीज़ें माउंट एवरेस्ट की। इट पजेस्ड अ चैलेंज टू हिम, इट यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के लिए आया है। माउंट एवरेस्ट जो है एक चैलेंज देती है राइटर को, सो ही फाउंड द चैलेंज इनरेजिस्टिबल, तो उसको जो ये चैलेंज था उसको वो एक्सेप्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ना, आ सकता है एग्जाम में। वन डज नॉट डू इट, क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोंग, वॉट डज वन डू इट फॉर रियली। कोई भी इंसान सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब नहीं करता, तो क्यों करा उन्होंने? आंसर, फेमस होने के लिए मतलब जो वो इतनी एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, इतना बहादुरी वाला काम किया था, इतना रेयर वर्क किया था उन्होंने, तो वो जो है सब वो कहते हैं कि वो सिर्फ कोई फेमस होने के लिए नहीं करता वो कोई, तो क्यों करते हैं? कॉन्करिंग समिट इज़, कॉन्करिंग मतलब जीतना, समिट ऊंचाई पर चढ़ना, यहाँ पे इज़ अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट। फिजिकल अचीवमेंट तो है ही, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद पता चलता है कि बंदा जो है फिजिकली फिट है। एट द सेम टाइम इट गिव्स क्लाइंबर, उसी समय में वो जो क्लाइंबर है, जो क्लाइंब कर रहा है एवरेस्ट को, इमोशनल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है उसको। ऑल्सो क्लाइंबिंग अ हाई पीक सेटिस्फाई मैंस एटर्नल लव फॉर एडवेंचर, क्योंकि एक हाई पीक पे चढ़ना जो मैन होता है उसको ये एडवेंचर की तरफ उसका बहुत लव होता है कि कुछ रोमांचपूर्ण करो, कुछ करते हैं यार कुछ लाइफ में, ये चीज़ जो होती है ना उसको बोलते हैं लव फॉर एडवेंचर। तो इसको सेटिस्फाई करता है एवरेस्ट पर कॉन्कर करना। नेक्स्ट, ही बिकम्स कॉन्शियस इन द स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स विच इज़ द, ये जो लाइन्स हैं जो है उन्होंने कही थी एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, विच इज़ द इमोशन मैंशन इन दिस पैराग्राफ, दिस इमोशन इज़ ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी को एक्सप्रेस करता है ये। क्या है लाइन्स? ही बिकम्स, वह व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, उसे पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वो जो है इस पूरी प्रकृति के अंदर वो कितना छोटा है। नेक्स्ट, वट वर द सिम्बल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाई मेम्बर्स ऑफ द टीम ऑफ एवरेस्ट? अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से। द मेम्बर्स ऑफ द टीम लेफ्ट फॉलोइंग सिम्बल्स ऑफ रेवरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के आए थे वहाँ पे ताकि उनका जो है वो यादगार रहे वहाँ पे। उन्होंने क्या वहाँ पे छोड़ा था? अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड अ रैलिक ऑफ बुद्ध, महात्मा बुद्ध का भी एक जो है छोटा सा एक रैलिक छोड़ दिया था वहाँ पे। ये तीन चीज़ें थी। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू राइटर डिड दिस हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टियर टीच हिम? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइटर एक्सपीरियंस टॉट हिम
राइटर का जो एक अनुभव रहा एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, उसने उसे सिखाया सेंस ऑफ इंस्पिरेशन टू फेस डिफ़िकल्टीज। एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है उसे जिससे कि वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सके। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ क्या किया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, सेंस ऑफ इंस्पिरेशन टू फेस द डिफ़िकल्टीज विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप मेरे साथ वीडियो पॉज करके बोल सकते हैं ना, सेंस ऑफ इंस्पिरेशन टू फेस द डिफ़िकल्टीज विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इट ऑल्सो टॉट हिम लुक विद इन। लुक विद इन मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना। नेक्स्ट, राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। वन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। अच्छा, ये लाइन्स जो थी उनकी कही हुई है ना। तो कहते हैं कि एक बार अगर कोई एवरेस्ट पे चला जाता है तो वो इंसान बदल जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट वी हैव, सो मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इट इज़ अ प्लेजर टू फेस चैलेंजेस सक्सेसफुली। ये लाइंस हैं ना, उनके कहे हुए डायलॉग्स हैं जिनका मीनिंग हमें बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन की तरह, और हमें उनके जो डायलॉग्स हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट, माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, नेचर्स ब्यूटी कैन बी बेस्ट सीन इन इट्स माउंटेन। नेक्स्ट, द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग द क्लाइंबिंग। सो इसके लिए क्या कहा था उन्होंने, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।